अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आज आप देख रहे हैं उस्मान सैटेलाइट चैनल। आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मीडिया स्टार MS मिनी 3030 की तमाम स्पेसिफिकेशन फराम करूँगा कि ये रिसीवर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है और किन खासियत का ये मालिक है। इस वीडियो में मैं इसकी फुल अनबॉक्सिंग भी करूँगा और फुल आपको इसकी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो आए उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये रिसीवर आप मेरे सामने देख रहे हैं, मौजूद भी इस वक्त है, मीडिया स्टार की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जो कि MS मिनी 3030 है और डॉल्बी ऑडियो के साथ है। फार एवर वाला ये रिसीवर है। कई लोगों को फार एवर का इलम भी होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, फार एवर का मतलब ये है कि जितने पाक साइड पर चैनल मौजूद है, आप जियो कहानी जियो सुपर कर लें या एशिया पर सोनी का जितना भी पैकेज है, और इसके अलावा इंडियन जितने भी चैनल 88 डिग्री के हो गए, ये उस पर अगर आप नेट का लिंक देते हो ना, फार एवर को एक्टिव करते हैं तो चार तमाम रनिंग में आ जाएंगे, तमाम चल जाएंगे। सिर्फ़ एक ही फार एवर, एक ही सर्वर पर तमाम चैनल रनिंग में होंगे, फार एवर का मतलब ये होता है। इसके अलावा इसके अंदर IPTV मौजूद है। IPTV का मतलब ये है कि अगर आप इसे इंटरनेट का लिंक देंगे तो इसके अंदर अपोलो IPTV जब आप उसे एक्टिव करेंगे तो आप बगैर डिश के 3 माह बिल्कुल बगैर डिश के चैनल देख सकते हैं। IPTV में आपको डिश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आपने सीधा इसे इंटरनेट का लिंक देना है। IPTV ओपन करेंगे तो दुनिया के जितने भी चैनल हैं बगैर डिश के आप देख सकते हैं, वो भी 3 माह इसके अंदर IPTV है और 15 माह का इसके अंदर फार एवर होता है। ये फुल HD 1080 के में आता है और इसकी की सबसे ख़ास बात इसके अंदर जो फ्लैश है वो 8 MB की है और 2 USB पोर्ट्स हैं। इसके अंदर वाईफाई का ऑप्शन भी मौजूद है और ये डॉल्बी ऑडियो में आता है। MS मिनी 3030 मीडिया स्टार डॉल्बी ऑडियो में आता है। कई चैनल हैं इंडियन जो कि डॉल्बी ऑडियो होते हैं और आम रिसीवर बिल्ट इन वाईफाई ले लें, या कई ऐसे मिनी रिसीवर भी हैं जैसे टैगर टीटन ग्रैंड सिंपल हो गया, स्टार सेट हो गया या अली बाबा हो गए, वो जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट नहीं करते, ये डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये H.265 HEVC है, यानी 265 HEVC होने का मतलब ये है कि ये फुल HD रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। आम चैनल, कोई आम चैनल भी होगा तो फिर भी ये आपको दूसरे रिसीवर की निस्बत एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर जो दोस्तों को इसकी स्पेसिफिकेशन की समझ तो आ गई होगी, इसकी जो अपडेट होती है वो ऑनलाइन आती रहती है मीडिया स्टार की तरफ से, और इसके बॉक्स के अंदर उन्होंने ऊपर मेंशन किया है क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इसके अंदर एक मीडिया स्टार का रिमोट मौजूद है, उसके अलावा एक टैला मौजूद है जो कि इसे वाईफाई के साथ कनेक्ट करता है। अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। सबसे पहले हमें इसमें एक रिसीवर देखने को मिलता है जो कि इसके ऊपर भी मैंशन किया हुआ है, ये मीडिया स्टार का रिसीवर है जो कि तमाम पोर्ट्स में आता है, जितनी पोर्ट्स अगर रिसीवर को लगनी चाहिए। इसकी जो एक खास बात दूसरे रिसीवर की निस्बत ये है कि इसके रिसीवर के ऊपर भी आपको डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में सेंसर भी मिल जाता है। ज़्यादातर जो मिनी रिसीवर होते हैं उनके साथ एक अलहदा एक डिस्प्ले आता है छोटा सा, जो अगर आप कनेक्ट करेंगे तो फिर ही आपको रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर आप चैनल देख सकते हैं भी कौन सा चल रहा है। इसके ऊपर भी डिस्प्ले मौजूद है, साथ में छोटा सा डिस्प्ले भी अलहदा भी दिया गया है। इसके ऊपर तमाम पोर्ट्स मौजूद हैं और इसके अलावा इसके साइड पर बटन भी मौजूद है, अगर रिमोट एक टाइम आपके पास नहीं होता तो आप बटन के साथ भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीचर सिर्फ मीडिया स्टार में आ रहा है और किसी भी रिसीवर में ये फीचर इस वक्त नहीं आ रहा, ये बटन वाला और ये डिस्प्ले वाला। ये रिसीवर बहुत ही खूबसूरत कलर में उन्होंने हमें मुतारफ कराया, ये देखें बहुत ही एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आ रहा है, सबसे हैवी बिल्ड क्वालिटी इस रिसीवर हमें प्रोवाइड की हुई है। अगर हम इसके अलावा इसके बॉक्स में ओपन करते हैं तो हमें साथ इसके अलावा इसका एक रिमोट मिलता है जो कि एक अच्छी क्वालिटी में और एक अच्छी पैकिंग हमें प्रोवाइड किया गया है। तमाम कीबोर्ड वगैरह उसके ऊपर मौजूद है जिससे आप एक इस रिसीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक मीडिया स्टार की तरफ से एक टेंडा आता है। टेंडा का मतलब ये है कि जो आपके रिसीवर को वाईफाई के साथ कनेक्ट करेगा, और ये मीडिया स्टार का ओरिजिनल टेंडा इसके बॉक्स के अंदर बिल्ट इन आता है। ये बिल्ट इन टेंडा बॉक्स के है, बिल्ट इन वाईफाई रिसीवर ये नहीं है, अलहदा टेंडा इसके साथ दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो रिसीवर होता है मीडिया स्टार इसके साथ अलहदा ही हो तो ठीक है, लेकिन अगर बिल्ट इन वाईफाई में अगर आप फार एवर ले रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हैंग प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा हैंग होता है। इसके अलावा इसके साथ एक HDMI केबल जो कि आम हर रिसीवर में आ रही है, लेंथ इतनी ही आ रही है अगर आप कोई भी रिसीवर ले लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक अडाप्टर आ जाता है जो कि इसे इस रिसीवर को करंट प्रोवाइड करता है। फिर एक डिस्प्ले आ जाता है जो कि हर रिसीवर मिनी में आ रहा है, लेकिन इसमें एक डिस्प्ले के इसके रिसीवर के ऊपर भी डिस्प्ले आ जाता है और एक लहदा डिस्प्ले भी आ जाता है। फिर इसके साथ में एक अच्छे क्वालिटी के सेल आ जाते हैं। फिर इसके में एक स्टैंड आ जाता है जो कि अगर आप रिसीवर के साथ पीछे बैक साइड पर अटैच करेंगे तो आप इसे दीवार के साथ लगा सकते हैं, यहाँ पर लगेगा और आप इसे दीवार के साथ भी अटैच कर सकते हैं। नीचे रखने के बावजूद आप दीवार के साथ लगाएं तो ये अच्छा लगेगा। फिर इसके साथ इसकी
गाइडलाइंस आ जाती है जो कि गाइडलाइंस बुक आ जाती है जहाँ पर इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन यूज़र मैनुअल है मुकम्मल लिखा हुआ है इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों को इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन और जो हम इस बॉक्स में मिल रहा है उस चीज़ों को समझ लग गई होगी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये मार्केट से हमें 7,000-7,500 के लगभग मिलेगा, कहीं पर ये 8,000 का सेल हो रहा है, कहीं पर 7,000 का और कहीं पर 7,500 रुपये का। अगर कहीं दोस्तों ने ये बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये मुझसे प्रोवाइड भी मुझसे बाय भी कर सकता है। अगर वीडियो कहीं से भी आपको अच्छी लगे तो अगेन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो आए उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया।